हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू इंटू डी एक्स। देखिये दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्स क्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन ये सेट हो गया है। एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर में आएगा दोस्तों। तो देखिये दोस्तों, हम कैसे करते हैं, पुट लिखेंगे एक्स क्यू इज इक्वल टू जेड। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर पावर उतरेगा, पावर में से एक घटेगा इंटू डी जेड बाई डी एक्स। देखिये दोस्तों, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई थ्री। थ्री हो गया दोस्तों। देखिये दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, अब हमारा क्या हुआ दोस्तों, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों के बदला में दोस्तों डीजेड बाई थ्री लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डीजेड बाई थ्री लिखेंगे दोस्तों। ये साइन एक्स क्यू, तो साइन एक्स क्यू के जगह पर जेड रखेंगे और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पर डीजेड बाई थ्री रखेंगे, डीजेड बाई थ्री रखेंगे। देखिये दोस्तों, हम यहां पर वन बाई थ्री बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन जेड इंटू डीजेड। देखिये दोस्तों, इसको यहां पर लाते हैं, अब लिखेंगे दोस्तों आई इज इक्वल टू वन बाई थ्री साइन जेड का हो गया दोस्तों माइनस कॉस जेड प्लस सी। अब क्या होगा दोस्तों, जेड के जगह पर जेड का वैल्यू रख देंगे, जेड के जगह पर जेड का वैल्यू रख देंगे, आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस कॉस जेड के जगह पर एक्स क्यू रख देंगे दोस्तों, एक्स क्यू रख दिए बाई थ्री प्लस सी। देखिए दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन ये आया। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस फोर रूट अंडर एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस थ्री। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन यहां पर सेट है दोस्तों, तो इसको पुट करेंगे जेड। हम कैसे करेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जेड पुट करेंगे। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा टू एक्स, ये x का वन हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, ये डी जेड बाई डी एक्स यहां पर हो जाएगा हमारा टू एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। देखिये दोस्तों, इसका और इसका इंटू डी जेड आता है, सब्सटीट्यूट किए टू एक्स प्लस फोर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, यहां पर डी जेड आया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर इसके अंदर रूट जेड रखेंगे, यहां पर जेड रखेंगे तो ये रूट जेड हो जाएगा और इन दोनों के बदला में जगह पर डी जेड रखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं और इसका मतलब जेड पर पावर हाफ होता है, रूट जेड का मतलब। देखिए दोस्तों, आगे हम इसको बताते चल रहे हैं साइड में। देखिये दोस्तों, तो हमारा आई इज इक्वल टू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पावर में एक जुटेगा और टोटल से डिवाइड होगा, तो पावर में एक जुटेगा तो थ्री बाई टू हो जाएगा, ये टू बाई थ्री प्लस सी। देखिए दोस्तों, आई इज इक्वल टू 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 जेड के जगह पर जेड का वैल्यू रख देंगे, जेड का वैल्यू है एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस थ्री पर पावर थ्री बाई टू, पर पावर थ्री बाई टू हमारा बाई थ्री प्लस सी। देखिये दोस्तों, यहां पर इसका इंटीग्रेशन ये आया। अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, नीचे ये साइन एक्स, ये इसका क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू से ऊपर में इंटू कर देंगे दोस्तों, देखिए टू से ऊपर में और नीचे में कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई इज इक्वल टू वन बाई टू से बाहर कीजिए और टू से ऊपर कीजिए साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हम कर लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स,
कैसे करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे आई इज इक्वल टू वन बाई, हम लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए यहां पर एक साइन इसके साथ रख दिए, ये कॉस जोड़े हैं तो कॉस हम घटाए, कॉस घटाए हैं तो कॉस जोड़ देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए ऐसे कर दिए, उसके बाद यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहां पर क्या किए हैं हम, क्या किए सबसे पहले इसमें टू से ऊपर नीचे इंटू कर दिए, तो ये दो साइन हो गया, एक साइन यहां एक साइन यहां, तो ये दो साइन हो गया, एक साइन ये हुआ एक साइन ये हुआ, और कॉस हम घटा दिए और कॉस जोड़ दिए, तो कॉस प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा ये हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा, लेकिन हमको सॉल्व करना है। देखिए यहां पर अलग अलग करेंगे, हम क्या करेंगे यहां पर अलग करेंगे, आई इज इक्वल टू वन बाई टू करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कर दिए अलग अलग कर दिए। अब देखिए यहां पर भी हम अलग करेंगे, यहां पर होगा साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, यहां पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, यहां पर ये कर दिए। उसके बाद देखिए कॉस एक्स कर दिए, ये ब्रैकेट देंगे इंटू डीएक्स, डीएक्स कर दिए। अब देखिए ये प्लस माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, कट जाए, ये सेम चीज है ये कट जाएगा, सेम चीज है ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये वन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस, वन माइनस ये वन हो गया, ये हो गया हमारा प्लस, वन माइनस नहीं प्लस, प्लस है प्लस होगा, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। देखिए दोस्तों यहां पर हमारा क्या होगा, वन बाई टू, वन का एक्स हो जाएगा, वन का एक्स हो जाएगा, और ये हमारा बच जाएगा, हमारा क्या होगा वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी जेड। अब क्या करेंगे, इसको हम इसमें पुट कर देंगे, देखिए इसको लेकर चलेंगे, इसको आई वन ले लेते हैं, ये आई का वैल्यू है, इसको समीकरण वन, इक्वेशन वन बोल देते हैं, इक्वेशन वन बोल दिए। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहां पर सॉल्व करेंगे, इसको आई वन बोल देते हैं, आई वन इज इक्वल टू साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ये इंटीग्रेशन है दोस्तों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। हम पुट कर देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड, पुट कर दिए साइन एक्स, ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड, तो साइन का हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन, तो ये प्लस साइन हो गया साइन एक्स, ये डी जेड बाई डी एक्स हुआ, ये डी जेड बाई डी एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो देखिए दोस्तों ये नोमरेटर जो है, ये नोमरेटर जो है नोमरेटर इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर डी जेड लिख सकते हैं। थोड़ा इरेज हमको करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा इरेज हमको करना पड़ेगा, थोड़ा इरेज हम कर लेते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर एक
एक चीज है यहाँ पर, ये प्लस है दोस्तों, प्लस है, ये हमेशा हम माइनस लिखते रहे हैं, दो बार माइनस लिख दिए हैं, यहाँ पर भी ये प्लस है, तो प्लस है तो हम प्लस को अलग अलग किए है ना, ये प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस को अलग अलग किए हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये डिवाइडेड बाई ये, तो यहाँ प्लस है, वहां पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं अब इसको, देखिए अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई वन इज इक्वल टू, आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वन बाई जेड, ये जेड लिख देंगे इसके जगह पर, जेड लिख देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड आया है, इसके जगह पर डी जेड लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये लॉग जेड हो जाएगा, लॉग जेड हो गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, जेड के जगह पर जेड का वैल्यू रख देंगे, जेड का वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये है। अब हम आई का मान निकालेंगे, आई इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों, इसको हम आई वन मानकर, इसको आई वन मानकर, इस चीज को आई वन मान लिए हैं दोस्तों। देखिए इसको हम आई वन माने हैं ना, तो इसको आई वन मानकर हम ये वैल्यू आई वन का यहाँ पर निकाले हैं, आई वन का वैल्यू निकाले हैं, अब पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे आई वन का वैल्यू, वन बाई टू एक्स वन बाई टू, आई वन के जगह पर क्या पुट कर देंगे, लॉग आई वन का वैल्यू, इसको आई वन माने हैं दोस्तों, आई वन का वैल्यू हमारा ये आया है लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे, ये हमारा दोस्तों इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट हुआ। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए दोस्तों, इस अगला हमारा क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स। देखिए दोस्तों, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ सेटिंग करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वन, इसको लिखेंगे दोस्तों वन माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखेंगे, दोस्तों, और आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dx को, ये dx यहाँ पर dx रहने दीजिए दोस्तों, और cos x हमारा LCM आ जाएगा यहाँ पर, cos x ये 1 छुपा हुआ रहता है, 1 cos का cos LCM होगा, तो ये cos x माइनस साइन x हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये cos ऊपर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू cos x, ये कॉस ऊपर चला जाएगा दोस्तों, और नीचे में हम क्या कर ले रहे हैं, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों, माइनस कॉमन लेके ऊपर कर देंगे, इसमें माइनस कॉमन लेके जब हम ऊपर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, देखिए दोस्तों साइन हमारा एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस हो जाएगा, और माइनस इन दोनों में से कॉमन लेके ऊपर भेज दिए, इनटू डीएक्स लिखेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस को हम बाहर निकाल लिए, माइनस और टू से ऊपर नीचे इंटू कर दिए, टू से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे दोस्तों, और क्या करेंगे, देखिए टू से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स, ये कर दिए। देखिए दोस्तों, यहां पर हम इसको ये लिख दिए, माइनस बाहर निकाल लिए, तो ये हो गया अब दोस्तों हमारा माइनस वन बाई टू टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स, वन बाई टू, टू से नीचे इंटू किए, टू से ऊपर इंटू किए, यहां पर टू से ऊपर नीचे इंटू कर लिए दोस्तों। अब देखिए हमारा क्या होगा, तो हमारा देखिए दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर, इसको देखिए दोस्तों, इसका सेटिंग करते हैं, हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों,
यहां पर हम क्या कर ले रहे हैं, एक चीज देखिए दोस्तों, माइनस इसी में रहने दीजिए, ये माइनस बाहर मत निकालिए, माइनस यहीं पर रहने दीजिए, माइनस यहीं पर रहने दीजिए दोस्तों। इसको लिखिए बढ़िया से, माइनस टू कॉस एक्स, ये लिख दिए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका सेटिंग कर दे रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए कॉस दो है तो हम एक साइन जोड़ देंगे, एक साइन एक्स जोड़ दिए और एक माइनस कॉस एक्स यहां पर ले लिए, तो ये हो गया दोस्तों। साइन एक्स अपने से जोड़ दिए, दो एक्स में से, दो कॉस एक्स में से एक माइनस कॉस एक्स यहां पर ले लिए, प्लस माइनस लिखकर एक साइन को घटा देंगे। देखिए दोस्तों यहां पर साइन को घटा देंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो फिर हमारा वही चीज रह जाएगा, टू से टू कट जाएगा, फिर वही चीज हो जाएगा, तो हमारा उससे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या किए दोस्तों, माइनस टू कॉस एक्स में कॉस एक्स अलग करेंगे, तो सबसे पहले एक साइन एक्स जोड़ दिए कॉस एक्स के साथ, इस माइनस कॉस एक्स के साथ एक साइन एक्स जोड़ दिए और उधर साइन एक्स घटा दिए, माइनस लगा दिए हैं मतलब घट गया, तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, और एक प्लस कॉस एक्स लिख देंगे दोस्तों, प्लस कॉस एक्स। देखिए ये माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स, तो एक माइनस कॉस एक्स, एक माइनस कॉस एक्स, यहां पर देखिए दोस्तों ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स, माइनस टू कॉस एक्स हो जाएगा, और साइन यहां पर एक जोड़े हैं तो एक घटा दिए दोस्तों, तो इस तरह से हम बैलेंस कर दिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, अब साइन हम इस तरह से कर दिए, बैलेंस कर दिए, बाई डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों हम अलग अलग अब कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमारा आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, माइनस ये माइनस है तो यहां पर माइनस बीच में चिन्ह लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हुआ दोस्तों, ये हुआ इंटू डीएक्स लिख देंगे। अब इंटू डीएक्स लिखिए, लिख दिए तो अब देखिए क्या होगा, ये हमारा सेम टर्म ये कट गया, तो कट गया हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए दोस्तों यहां टू भी था, यहां टू भी था दोस्तों, इस टू को हम भूल गए थे, यहां पर टू वन बाई टू हमको लगाते चलना पड़ेगा, वन बाई टू क्योंकि टू से नीचे टू से ऊपर इंटू किए थे, तो हम वन बाई टू यहां पर लगाते चलेंगे। अब देखिए हमारा हो गया वन बाई टू, ये वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो ये वन का एक्स हो गया माइनस ये आई है दोस्तों, ये वन बाई टू इधर आया इंटीग्रेशन वन बाई टू, देखिए दोस्तों एक्स का वन का एक्स हो गया, वन बाई टू से इंटू कर दिए, वन बाई टू से इसको इंटू किए, अलग अलग कर दिए, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, आई इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू आई वन, इसको इस इंटीग्रेशन को हम आई वन मान लेते हैं, यहां से आई वन इज इक्वल टू लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों इसको इक्वेशन वन बोल दिए और यहां से हम आई वन इक्वल टू लेकर चलते हैं, तो आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। देखिये दोस्तों इसको सॉल्व अब करेंगे, देखिए दोस्तों इसको हम अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इधर का इरेज करेंगे, देखिए दोस्तों अब इरेज कर दिए, इधर क्या होगा आई वन का हम वैल्यू निकालेंगे, तो पुट इसके बाद दोस्तों यहां पर, इसके बाद यहां पर जा रहे हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जेड पुट कर लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जेड, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को दोस्तों जेड पुट कर लिए, तो साइन का हमारा हो जाएगा कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ये हो गया। देखिए दोस्तों अब यहां पर लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड,
ये डी जेड लिख देंगे। देखिए दोस्तों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड आया, ऊपर का डी जेड आ गया। तो हमारा आई वन का वैल्यू आएगा दोस्तों, आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई, नीचे के जगह पर जेड रखेंगे, इसके जगह पर जेड रखेंगे, और इन ऊपर का दोनों का इंटू डी जेड हमारा आएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा आई वन आया लॉग जेड, लॉग जेड, जेड की जगह पर जेड का वैल्यू रखेंगे तो आई वन का वैल्यू आ जाएगा लॉग जेड, जेड की जगह पर जेड का वैल्यू हम रखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आई वन का वैल्यू हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों आई वन का वैल्यू हम निकाल दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आई का वैल्यू निकालेंगे। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इरेज करेंगे, आई का वैल्यू हम निकालेंगे अब। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, यहां पर आई की जगह पर अब यहां से देखिए दोस्तों आई वन यहां निकाल दिए, अब आई का वैल्यू यहां पर रखेंगे तो आई इज इक्वल टू हमारा आया, इसके बाद दोस्तों यहां पर आई वन निकाल दिए, अब आई की जगह पर आई वन का वैल्यू अब इक्वेशन में, इक्वेशन वन में देखिए दोस्तों इक्वेशन वन में अब आई वन का वैल्यू रखेंगे, आई का वैल्यू है वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू आई वन। तो देखिए दोस्तों आई इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू एक्स माइनस वन बाई टू, आई वन का वैल्यू हम अभी लाए हैं दोस्तों, ये लाए हैं आई वन की जगह पर, आई वन का वैल्यू रख देंगे लॉग, लॉग साइन एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सी जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आया। देखिए दोस्तों ये वीडियो अब लंबा हो गया, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू दोस्तों।